क्या कर रहा है तू? तो दोस्तों, हम इस बड़े से टीले पर एक मैगी बनाने वाले हैं। तो ये इस दुनिया की सबसे पहली मैगी होगी जो एक टीले पे बनाई गई है। तो दोस्तों, इस मैगी से मेरे को वो मैगी याद आ गई जो मैंने खीर गंगा में बनाई थी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो हम लोग माता रेणुका जी से वापस आ रहे थे और नाहन के रास्ते में हमको रेणुका जी से करीब 5-6 किलोमीटर आगे यहाँ पर एक बहुत सा अच्छा सा एक दृश्य दिखा है। और यहाँ पर हम अपनी मैगी बनाएंगे, थोड़ा सा अपनी भूख शांत करेंगे और एक नई वीडियो के साथ हम लोग फिर से तैयार हो गए हैं। तो आइए चलते हैं एक छोटे से कैंपिंग पर। आ जाओ नेगी। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर ये टीला है और इस टीले के ऊपर हम लोग आज मैगी बनाने वाले हैं। देखिए कितना सुंदर है ये टीला, इसके ऊपर चढ़ते हैं। आ जाने की। ठीक है? Yes. This place. Okay. ये रख दो। हाँ। ये मेरा, ये भी रख दे हेलमेट। हेलमेट भी रख दे। इसको सीधा करके रखना है इसमें। अरे छोड़ बस दे। तो दोस्तों, हम इस बड़े से टीले पर एक मैगी बनाने वाले हैं। तो ये इस दुनिया की सबसे पहली मैगी होगी जो एक टीले पे बनाई गई है। आ जाओ। आपने कहाँ बैठना है? बहुत ज़्यादा गहरा है ये शायद ना पत्थरों, ये जो पत्थर ऐसे हुए हैं ना, ये पानी के बहाव से हुए हैं ऐसे करके ना, छेद छेद जो हुए हैं इतने सारे। हाँ, या हो सकता है ये किसी लावा का पार्ट हो, बहुत पहले करोड़ों साल पहले लावा पिघल कर यहाँ पर आया हो ज्वालामुखी से, कुछ भी हो सकता है। चलो, हमें तो मैगी बनानी है। तैरना आता नहीं की? नहीं ना। तो रेडी रेडी गाना चला है? नहीं, गाना नहीं चलाना है। तो मेरा एक सिलेंडर था बड़ा वाला, इतना 2 kg का, उसको मैंने अपग्रेड किया है और अब मैं ले आया हूँ ये छोटा सा स्टोव और इसके साथ है ये छोटा सा सिलेंडर, ब्यूटेन सिलेंडर। और ये इतना है मात्र, ये 12x12 cm का इसका। अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो आपको मात्र कुछ नहीं करना है, सिर्फ हो गया फिक्स, कनेक्ट हो चुका है। और ये कनेक्ट हो चुका है बड़ी आसानी से, मात्र कुछ सेकंड्स में। इसको अब हम इसके ऊपर रख देंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया। और अब हम इसके ऊपर मैगी बनाएंगे और मैगी बनाने के लिए हम लोग
ये हमारा मैगी बनाने का सामान है, इसको निकाल लेते हैं। तो ये सारा कुछ मिक्स हो गया है। ये कुछ मिर्चियाँ हैं, एक प्याज है, और ये जो आपको दिख रहा है ये जीरा है, और साथ में अदरक हम कूट के ले आए थे, और इसमें नमक है, और ये है मैगी के पैकेट्स। तो शुरू करते हैं मैगी बनाना। आपने वो कहाँ रखा है चाकू? अंदर ही उसी में। तो स्टार्ट करते हैं मैगी बनाना। सबसे पहले हम, आप देख सकते हैं इसका जो वेट, इसके जो डायमेंशन है वो मेरी एक बाजू के बराबर है लगभग। और इसको जलाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ऐसे करके बस, ये जल चुका है। इसको थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। अब रखना कहाँ है इसको? ठीक है, यहाँ। ठीक है, मेरे टिक जाए ना। इतना काफी है? ओ है ना। क्या कर रहा है तू? तो दोस्तों, इस मैगी से मेरे को वो मैगी याद आ गई जो मैंने खीर गंगा में बनाई थी, और वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात थी, और वो इतनी ज़्यादा वाहियात थी कि जब उस मैगी को हम लोग खा नहीं पाए तो हमने उनको उस मैगी को कौवे को देने की कोशिश की, पर वो उस कौवे ने भी नहीं खाई। तो काफ़ी ज़्यादा वाहियात थी, और मेरी ज़िंदगी की काफ़ी बहुत ज़्यादा वाहियात, सबसे ज़्यादा वाहियात मैगी वो थी मेरी ज़िंदगी की। और उसके बाद मैंने मैगी खाना कम कर दिया, और मैंने मैगी खाना छोड़ दिया, और लगभग 2 सालों तक मैंने मैगी नहीं खाई। और कुछ समय पहले ही मैंने मैगी खाना फिर से स्टार्ट की है, वो भी बहुत ही ज़्यादा ओकेजनली, कभी 3-4 महीने 6 महीने में एक बार मैगी खा लेता हूँ, या कभी एग्ज़ाम टाइम में मैगी खा लेता हूँ, नहीं तो मैं मैगी नहीं खाता। ये केवल उसी मैगी का असर है जो मैंने खीर गंगा में बनाई थी। तो उस टाइम पे जो मैंने मैगी बनाई थी, जो खीर गंगा में बनाई थी, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया था, और वो बिल्कुल हलवा बन गया था। तो ये भी एक रीज़न था। तो हमेशा जब मैगी में पानी डाला जाए तो उसको थोड़ा नियंत्रित रूप में डाला जाना चाहिए, जैसे कि इसमें मैंने बहुत कम पानी डाला है। तो काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी सिखा देती है, जो कि मुझे खीर गंगा के उस ट्रैक ने सिखाया।
तो दोस्तों ये है वो एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पर हमारे नेगी भाई ऊपर मैगी बना रहे हैं, और मैं यहाँ पर उनका उनकी फ़ोटोज़ लेने के लिए आ गया हूँ। आप देख सकते हैं नेगी भाई, हेलो नेगी भाई, बंद कर दिया इसको? कर दिया। ठीक है, सब करो, इसमें डाल दो, बन गई है ना, दोनों को साथ में डाल दे। हाँ तू भी बोलो, ले होगी चम्मच, ले एक चम्मच यहाँ पे आ जा, रख देना इसको, इस कैमरा को कहीं रख देते ना, रख दे भाई रख दे यार, इतना ज़्यादा वो नहीं करना है ना, गिरे ना यार, मैं खड़े होकर खाऊं कि बैठ के? इसको नीचे रख देंगे बस, हाँ इसको मेरी इसके पास रख दे। Cheers. Cheers. वो डेलीशियस, बहुत टेस्टी बनी है, तीखी है? नहीं तीखी, स्पाइसी है, और क्या, अदरक का फ्लेवर आ रहा है इसमें। और इस मैगी से हमको एक और बंदा याद आ जाता है, हमारा तीसरा रूममेट अतुल है ना, तो किस्सा कुछ इस प्रकार का है कि हम लोग हॉस्टल में रहते थे पपरोला में, और जब हम पीछे दुकान पर मैगी खाने के लिए जाते थे तो जो इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। दो दे। इसको करना है? मैं दूँ? अब तूने हाथ अपने ठंडे कर दिए, तो तू ही कर दे यार। पानी साफ है ना? बहुत ही ठंडा पानी। ठंडा है ना? तो नेगी बर्तन धो रहा है और रात भी होने वाली है, तो अब हम चलते हैं, इस वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।